पंजाब असेंबली का इजलास आज 12:30 बजे होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदब एतमाद एजेंडे में शामिल। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही असेंबली इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर ने अराकीन असेंबली को बरवक्त पहुंचने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली जाने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। असेंबली सेक्रेटेरिएट में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। पुलिस की भारी नफरी, सेक्रेटेरिएट के एतराफ तायुनात। असेंबली स्टाफ को भी जाने की इजाजत नहीं, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। डेविस चौक, आवारी चौक, गवर्नर हाउस चौक से डायवर्जन लगाई गई। रीगल चौक से ट्रैफिक को सफा वाला और फिर चाइना चौक भिजवाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू। अराकीन असेंबली की शिरकत, पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से मुशावरत जारी। नुमान लंगड़ियाल, मियाँ अब्दुल रऊफ, खलील ताहिर संधू, पीर अशरफ रसूल समेत दीगर अराकीन ने शिरकत की। नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि जिस तरह का फैसला आया है इसमें बहुत अभाम है, ज़रूर अपील करेंगे। जो फैसला किया उस पर फख्र है, उस पर कायम है, क्योंकि हम सूबे की बेहतरी चाहते हैं। पार्लिमान लीडर पीपी हसन मुर्तजा की गाड़ी को गंगाराम अस्पताल इशारे पर रोक दिया गया। हसन मुर्तजा पैदल ही ऐवाने वजीर आला पहुंच गए। हसन मुर्तजा का कहना है कि समझ से बाहर है कि इस असेंबली को किसी कायदे कानून के बगैर चलाया जा रहा है। जब दिल चाहे इजलास मुलतवी और जब दिल चाहे बुला लिया जाता है। आज रात अचानक इतला मिली कि 30 मई को होने वाला इजलास जो है वो आज इतवार के दिन बुला लिया गया है। समझ से बालातर है कि पंजाब असेंबली को इस तरह चलाया जा रहा है जिस तरह कोई गांव गोठ या कोई मोहल्ला जो है वो चलाया जाता है। एक पंचायत बैठ जाती है और वो जो उसके मन मर्जी आए केस सुन लिया, जब दिल किया जन कर दिया और जब दिल किया वापस बुला लिया। कोई कायदा कानून नहीं है। वज़ीर आला हमजा शहबाज से साबिक रुकन असेंबली ख्वाजा निज़ामुल महमूद की मुलाकात। ख्वाजा निज़ामुल महमूद का साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान। हमजा शहबाज का खैर मकदम। मुलाकात में रुकन पंजाब असेंबली सरदार अवैस लगारी और दीगर शख्सियात भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मॉडल टाउन में 1.5 घंटा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लंदन मुलाकात का बताया, मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत को दरपेश मसाइल और उनके हल पर इत्तेफाक। राणा सनाउल्ला, सरदार अयाज सादिक, मिफ्ताह इस्माइल समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। आने और जाने वाली मुल्की और गैर मुल्की 6 परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। रियाद से आने वाली फ्लाई नास की परवाज XY317 और जाने वाली परवाज C18 मनसूख। कराची से आने वाली सेरीन एयर की परवाज ER522, शारजा जाने वाली एयरब्रू की परवाज PA412 8 घंटे ताखीर का शिकार। कराची कोयटा से आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 4, फरीद 3, कराकरम 2 और शाह हुसैन एक्सप्रेस 1 घंटा लेट। लोड शेडिंग और गर्मी की सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। लाहौर में आज बारिश का इम्कान। बारिश वक्फे से पीर और मंगल तक जारी रहेगी। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। गुज़िश्ता रात हवाएं चलने से मौसम में बेहतरी। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में फिजाई आलूगी का खात्मा नहीं हो सका। आलूगी की शरह 169 तक जा पहुंची। जौहर टाउन में 208, मराठा वली रोड 194 और मॉल रोड के एतराफ शरह आलूगी 189 रिकॉर्ड।